Hello guys, welcome back on my YouTube channel, that is Be Eco Perfect. And today in this video I'm going to discuss about some numericals from theory of production chapter. Numerical किस तरीके से आते हैं chapter से related, आप वो देख सकते हो. Basically उनको numerical कह लो या इस तरीके से कह लो कि table के अंदर जो fill-ups आते हैं. Quite interesting thing है. देखिए three concepts की हमने study की थी इस chapter में theory of production में. वो क्या था, टोटल प्रोडक्शन के बारे में हमने किया था. और टोटल प्रोडक्शन आप जानते हो, एवरेज प्रोडक्शन. एवरेज प्रोडक्शन में क्या फॉर्मूला होता है, टोटल प्रोडक्शन को जब हम क्यू से डिवाइड कर देते हैं. क्यू का मतलब क्या है, यूनिट से होता है, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर. मैं लिख देता हूँ, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स. ठीक है, वेरिएबल फैक्टर की कितनी यूनिट्स हैं. टीपी का मतलब आप जानते ही, टोटल प्रोडक्शन. एक मार्जिनल प्रोडक्शन भी कॉन्सेप्ट था, उसका क्या फॉर्मूला यूज करते थे हम, डेल्टा पी टी पी, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन. एंड ये इसका मतलब होता है चेंज इन टोटल प्रोडक्शन. और इसका मतलब डेल्टा क्यू का मतलब चेंज इन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर. ठीक है, ऐसे ही टोटल प्रोडक्शन भी आप निकाल सकते हो किससे, जब हम एवरेज प्रोडक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, क्यू से. एवरेज प्रोडक्शन आपको पता ही क्या होता है. तो बेसिकली इन तीन फॉर्मूलेस को आप माइंड में रखिए, और इनको माइंड में रखने से किसी तरीके की भी टेबल इस चैप्टर से रिलेटेड आएगी तो आप उसे इजीली सॉल्व कर दोगे. किस तरीके से टेबल हो सकती है, देखिए मैंने आपको बताया था, सपोज करो हमारे पास बस मार्जिनल प्रोडक्शन की बने, और वो मार्जिनल प्रोडक्शन कुछ इस तरीके से गिवन है, 2, 5, 7, 5, 3, 2, 0 and -1. इस तरीके से मार्जिनल प्रोडक्शन गिवन है. और ये तो गिवन हो गई, जैसे लेबर की यूनिट है, वेरिएबल फैक्टर जो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से, राइट. इतना गिवन है. और सपोज कीजिए आपको कैलकुलेट करना है एवरेज प्रोडक्शन एंड टोटल प्रोडक्शन आपको कैलकुलेट करना है, तो आप बहुत इजीली इस टेबल को फिलअप कर सकते हो इनकी हेल्प से. आपके पास इनफ इन्फॉर्मेशन है, ये अगर इतना दे दिया तो आप एवरेज प्रोडक्शन और टोटल प्रोडक्शन बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. इस तरीके से आप थोड़ा फॉर्मूले को माइंड में रखिए. मैंने बताया था कि मार्जिनल प्रोडक्शन से क्या निकाल लेते हैं हम, टोटल. इसमें नहीं, फॉर्मूले में वैसे बताया था, टोटल से क्या निकाल लेते हैं, मार्जिनल. बेसिकली मार्जिनल प्रोडक्शन है क्या, मार्जिनल प्रोडक्शन ये शो करता है कि जो एडिशनल यूनिट हमने लगाई है उन यूनिट्स को लगाने से प्रोडक्शन है क्या. तो ये एडिशनल यूनिट्स का प्रोडक्शन है, फर्स्ट का, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, जो यूनिट है वेरिएबल फैक्टर की उनसे मिलने वाला प्रोडक्शन है, राइट. तो पहले तो टोटल करेंगे, क्योंकि एवरेज तो तब निकलेगा ना जब टोटल हो हमारे पास. टोटल प्रोडक्शन को डिवाइड कर देंगे यूनिट से, तो टोटल निकाल लेंगे इसका मतलब मार्जिनल से. ठीक है, तो पहले टोटल प्रोडक्शन निकालेंगे 2, नेक्स्ट वाली यूनिट से कितना हुआ 5, तो टोटल कितना हो गया 7. नेक्स्ट वाली जो थर्ड यूनिट लगाई थी उससे क्या प्रोडक्शन मिला हमें, 7 यूनिट का, तो तीनों का मिला के क्या हो गया 14. नेक्स्ट वाले ऐड करते जाओ 19, इसमें नेक्स्ट ऐड कर दो 22, नेक्स्ट ऐड कर दो 24, 0 ऐड कर दो 24, इसमें ऐड कर दो 23. जी क्या किया हमने, मार्जिनल से टोटल प्रोडक्शन को कैलकुलेट कर लिया. ठीक है, टोटल आ गया, तो टोटल को डिवाइड कर देंगे वेरिएबल फैक्टर की यूनिट से, क्या जाएगा, एवरेज आ जाएगा. 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2, 7 को इससे करेंगे 3.5, 14 को 3 से करेंगे डिवाइड 4.76 इस तरीके से कुछ. ठीक है, इस तरीके से डिवाइड कर दिया 22 को 5 से, 23 को हमने 8 से डिवाइड किया, तो हमने क्या किया, टोटल प्रोडक्शन से एवरेज प्रोडक्शन कैलकुलेट कर लिया. क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. एक और टेबल
इसी के साथ ये भी साथ रहेगी, आप उसको देख लेना। सपोज कीजिए हमें इस तरीके से एवरेज प्रोडक्शन दी हुई बस, और वो एवरेज प्रोडक्शन क्या है हमारा, वो है 2.53, फिर से 3, फिर 2, ये एवरेज प्रोडक्शन की बने। मार्जिनल टोटल कैलकुलेट हमें करना है। सपोज करो यूनिट्स को ऑलरेडी गिवन होंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्या कैलकुलेट करना है हमें, मार्जिनल प्रोडक्शन एंड टोटल प्रोडक्शन, ये फिलअप्स करना है। या कुछ टेबल ऐसी भी होती है जिसमें कुछ वैल्यूज गिवन होंगी सभी में से, और बीच वाली को फिलअप करना होता, जो भी ब्लैंक्स होते हैं उनको फिलअप करना होता है, ऐसी भी टेबल हो सकती हैं। इसको देख लो, इसमें क्या करना है, इसमें एवरेज गिवन है, तो एवरेज का फॉर्मूला ये होता है, बट मैंने देख एक फॉर्मूला ऊपर भी लिखा हुआ है कि भाई एवरेज प्रोडक्शन इनटू में जो यूनिट्स है क्यू क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई करके क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम, टोटल प्रोडक्शन। इसका मतलब ये यूनिट्स वेरिएबल फैक्टर की, इस एवरेज को इनसे मल्टीप्लाई कर दो टोटल आ जाएगा 2.5 को इससे करेंगे तो 5, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 3 को 4 से करेंगे 12, इसको इससे करेंगे 10, 6 को 1 से करेंगे 6, ये टोटल प्रोडक्शन आ गया। टोटल प्रोडक्शन से आप मार्जिनल प्रोडक्शन कैलकुलेट कर लोगे अच्छे से आता है, कैसे, फर्स्ट वाला एज इट इज कितने का चेंज आया, 3 का, 5 से 9 होना 4 का चेंज, 9 से 12 होना 3 का चेंज, 12 से 10 होना जो कम हो गया तो माइनस लगाओ, 10 से 6 होना ये भी कम हुआ माइनस लगाओ, 4 का चेंज, तो टोटल प्रोडक्शन से क्या कर लिया, मार्जिनल प्रोडक्शन कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से हमारे पास अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन होती है तो उससे हम अपने जो हमारे फिलिंग द ब्लैंक्स हैं उनको हम कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और फाइनली इस तरीके से भी हमारी टेबल हो सकती है। एक तो वो कॉन्सेप्ट जिसमें हमें कुछ ना कुछ गिवन होगा, लाइक जैसे एवरेज प्रोडक्शन दे दिया, एवरेज से हमने टोटल निकाल लिया, टोटल से मार्जिनल निकाल लिया, मार्जिनल दे दिया तो मार्जिनल से टोटल निकालेंगे, टोटल से एवरेज निकाल देंगे, और एक इस तरीके की टेबल भी हो सकती है फ्रॉम रिलेटिव टू दिस चैप्टर। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ दे रखी है, टोटल प्रोडक्शन की भी कुछ हेल्प दे रखी है, कुछ हेडिंग्स की मतलब इसके अंदर वैल्यूज जो फिगर है वो दे रखी है एवरेज के अंदर भी, तो इसको कंप्लीट करना है इस टेबल को। अब तो किस तरीके से करेंगे देखिए, ये फॉर्मूले थोड़े से माइंड में होने चाहिए, 2-3 बहुत सिंपल सी चीज। एवरेज प्रोडक्शन गिवन है फर्स्ट के सामने, तो टोटल का पता नहीं मार्जिनल का पता, तो मैंने बताया था कि एवरेज प्रोडक्शन गिवन है जबकि यूनिट लगाई हमने 1। वैसे तो टोटल निकाल सकते हैं, कैसे, एवरेज को अगर इससे मल्टीप्लाई कर दें 1 से टोटल भी आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया, 2 ही आ गया, तो इससे मार्जिनल निकाल देंगे, कैसे, क्योंकि फर्स्ट वाली यूनिट के सामने जो टोटल है वो ही मार्जिनल होता है, पहली यूनिट ही तो है, इसका मतलब मार्जिनल भी क्या है, 2 है। पहली यूनिट के सामने तो एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और टोटल प्रोडक्शन एक जैसा होता है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में हुआ। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, नहीं यहाँ टोटल पता नहीं एवरेज प्रोडक्शन पता, बट हमारे पास जो नेक्स्ट वाली एडिशनल यूनिट्स है ना सेकेंड वाली, उससे मिलने वाला प्रोडक्शन हमारे पास है वो कितना है, 3। सेकेंड वाली यूनिट्स के आने से कितना प्रोडक्शन हुआ, 3। तो दोनों का अगर टोटल कर दें, यानी फर्स्ट का पता चल गया आपको 2, नेक्स्ट वाला पता चल गया 3, दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 5। इसका मतलब यहाँ क्या था, 5, राइट। तो टोटल वाला फेल हो गया, नेक्स्ट वाला नहीं रखा है। ठीक है, अब दो एवरेज निकालो, साथ साथ ये एवरेज का कॉलम भी मतलब एवरेज प्रोडक्शन इसका कॉलम भी फिल करना है, तो टोटल प्रोडक्शन 5 है, 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ गया, 2.5, ये एवरेज आ गया इधर। ठीक है, फिर नेक्स्ट टोटल दे रखा है, अब हमें बताए वैसे पता चल जाएगा 5 से 9 होना मार्जिन प्रोडक्शन नहीं आ जाएगा, यहाँ से 5 से 9 होना 4 का चेंज मार्जिन प्रोडक्शन आ गया, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन, राइट, ये आ गया। तो एवरेज तो वैसे निकाल देंगे, टोटल को डिवाइड कर देंगे इससे 3। अब आगे नहीं तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट एवरेज प्रोडक्शन दे रखा है, हमें पता है कि एवरेज प्रोडक्शन इनटू में ये यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर टोटल आ जाएगा,
फोर को थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, 12 आ गया, यहां से मार्जिन आ जाएगा, 9 से 12 हो जाना 3 का चेंज, मार्जिन प्रोडक्शन कॉलम हो गया। फिर 12 से 14 हो जाना 2 का चेंज, 14 को 5 से डिवाइड कर दो 2.8, ये भी आ गया एवरेज। फिर मार्जिन दे रखा है 1, यानी एडिशनल से जो 6th वाली थी उससे 1 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है, 5 का टोटल पता 6th वाली का 1, तो 14 में 1 प्लस ऐड कर देंगे कितना गया 15, इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद 15 15 यानी 0 का चेंज, 15 पे इससे डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा एवरेज प्रोडक्शन आ जाएगा। इस तरीके से आप टेबल को, यानी जो थ्योरी प्रोडक्शन से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई टेबल है उनके फिलअप्स को, ब्लैंक्स को आप फिलअप्स भी कर सकते हो, इन तीन चीज़ों को माइंड में रखें, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में रिटर्न्स टू आ स्केल के नाम से टॉपिक रहता है, विल बी डिस्कस्ड। और आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।